तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल BSCB अपडेट। तो दोस्तों, आज आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला हुआ है बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव पे, और यही ऑब्जेक्टिव आप लोग जो है 2024 के एग्ज़ाम में आप लोग को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग को बता दें, आप लोग का सेंटअप एग्ज़ाम भी अक्टूबर में होने वाला है। अक्टूबर में सेंटअप एग्ज़ाम है, उसको भी पास करना पड़ेगा। तो उसका भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को जो मैं ऑब्जेक्टिव आप लोग को बायोलॉजी में करा रहा हूँ, यही सब आप लोग 2024 के लिए है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसमें से एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोग छोड़ के जाइएगा तो आप लोग का एग्जाम हॉल में ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का एकदम निचोड़ आप लोग के लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, क्वेश्चन बैंक हो गया, मॉडल सेट हो गया, जो भी है पूरा कंप्लीट आप लोग को ऑब्जेक्टिव में कराने वाला हूं। तो 2024 एग्जाम के लिए जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बायोलॉजी वाले वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक आप लोग नहीं करते, सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज जो है बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव मैं कराने वाला हूं आप लोग को, टॉप 35 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो 35 अगर नहीं भी हो सकता है, 27-28 आप लोग को वीडियो में डेली दे रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का तो जो ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ यही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग छोड़िएगा तो आप लोग बहुत पछताइएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए 2024 रिलेटेड तैयारी के लिए। ठीक है दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आप लोग आज का पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ देखते हैं। यहाँ तो सबसे पहले यहाँ देख, तो चलिए यह आज का पहला ऑब्जेक्टिव कि DNA के पिरिमिडिन में पाया जाता है। ठीक है, तो DNA का जो पिरिमिडिन होता है, तो पहला है क्या, DNA के पिरिमिडिन में जो पाया जाता है, ठीक है, वो क्या है। तो DNA का पिरिमिडिन में आप लोग को पाया जाएगा वो थायमिन एवं साइटोसिन होगा। ठीक है, वही आप लोग का थायमिन एवं साइटोसिन आप लोग का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद बोला गया कि एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। ठीक है, जो परागण होता है उसका मतलब कि नाम दिया गया एनिमोफिली। तो एनिमोफिली जब हवा के द्वारा जब परागण किया जाता है ना, तो उसको हम लोग एनिमोफिली नाम देते हैं। ठीक है, तो आप लोग को यही सब बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव पूछता है, और 2024 का मेरे क्वेश्चन रहेगा। आप लोग को यहाँ से देखिएगा कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा आप लोगों को, देखिएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, पहला तीसरा नंबर पूछा गया है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे हैं, यानी कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं। एक, ठीक है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं। तो हरे पौधे हमेशा आप लोग को बता दें कि उत्पादक होंगे। ठीक है, उत्पादक जो हरे पौधे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग को, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया कि मेंडल ने चयन किया था, तो आप लोग का गार्डन मटर हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने गार्डन के मटर का चयन किया था मेंडल ने। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्न में कौन एक लिंगी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आपको, सरसों हो गया, पपीता हो गया, गुड़हल, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बता दें कि इन एक लिंगी जो आप लोग को पौधा है यहाँ, मतलब कि एक लिंगी जो यहाँ पर है वो आप लोग को पपीता है। ठीक है दोस्तों, पपीता। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, आप लोग पूछा गया 6 नंबर में कि कौन आहार श्रृंखला सही है। ठीक है, तो आहार श्रृंखला का बता रहे हैं कि कौन सा आहार श्रृंखला का जो मतलब कि यह क्रम जो है यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, पहले देखिए घास, गेहूँ और आम, तो ये देखिए सर पूरा गलत हो गया। फिर बकरी, गाय और घास, ये भी गलत है आप लोग को। देखिए यहाँ पे, फिर देखिए यहाँ घास, बकरी और शेर, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही है, घास है। घास को फिर बकरी ने घास खाया, बकरी को शेर ने खाया। ठीक है, तो यही आप लोग का आहार श्रृंखला सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप लोग बोला गया कि गोल्डन या सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो मैंने कल ही बताया था कि गोल्डन और सुनहरा धान जो होता है कि विटामिन उसमें ए पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दिया गया कि गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है। गिर अभयारण्य मतलब किसके लिए प्रसिद्ध हुआ है। ठीक है, तो वो कौन से जानवर के लिए है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर का शेर के लिए। ठीक है, और 9 नंबर पूछा गया कि न्यूक्लियोसाइड है, यानी कि न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है। ठीक है, यही पूछा गया है। तो न्यूक्लियोसाइड में बता दी कि शुगर होगा, फिर प्लस जो है एक नाइट्रोजनस बेस होगा। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त एक बेस होगा और प्लस शुगर होगा। ठीक है, यही आप लोग का हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद आप लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, लाइकिन क्या है, लाइकिन का मतलब लाइकिन किसका सूचक होता है। तो जब SO2 का जो SO2 का पॉल्यूशन जब बढ़ जाता है, तो उसका सूचक आप लोग को लाइकिन हो जाता है। ठीक है, चलिए 10 में पूछा गया कि मानव साधारणतः ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है, यानी कि मानव कितना मतलब ध्वनि का कितना मतलब कि तीव्रता जो है सहन कर सकता है। तो इसका आप लोग का सही आंसर जो रहेगा वो 20 से 30 डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, 20 से 30 डेसिबल। उसके बाद पूछा गया है कि निम्न में कौन किसमें जल परागण होता है। ठीक है, जल परागण किसमें होता है, तो जल परागण आप लोग को यहाँ मतलब कि जल के द्वारा जो परागण होगा वो आप लोग यहाँ देखिए हाइड्रिला हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रिला। उसके बाद देखिए यहाँ बोला गया है कि ट्राइसोमी 2N+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि हो जाते हैं, इसे क्या कहेंगे। ठीक है,
तो ट्राइसोमी जब हो जाएगा ना तो उसको हम लोग डाउन सिंड्रोम्स मिलाते हैं, ठीक है, डाउन सिंड्रोम्स। उसके बाद 13 नंबर पूछा कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग निम्न में से क्या है, ठीक है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखिए, डीएनए टाइपिंग भी होगा इसका आंसर, और डीएनए प्रोफाइलिंग भी होता है, ठीक है। डीएनए फिंगर बोला गया कौन से डीएनए अणु में प्यूरीन है, प्यूरीन यहाँ पे पूछा गया। जैसे यहाँ देख सकते हैं ए तथा सी जो दिया गया है, जैसे एडिनिन है और यहाँ साइटोसिन दिया गया है, फिर यहाँ दिया एडिनिन गुआनिन, यहाँ साइटोसिन थायमिन दिया गया है, ठीक है। तो डीएनए अणु में प्यूरीन क्या है, ठीक है, प्यूरीन और पिरिमिडिन होता है ना, तो यहाँ प्यूरीन का पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है एडिनिन एवं गुआनिन, ठीक है, एडिनिन गुआनिन। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया कि एड्स बीमारी में एचआईवी किस कोशिका को नष्ट करता है, ठीक है। तो एड्स बीमारी में कोशिका मतलब कि जो है एचआईवी किस कोशिका को नष्ट करता है, यही पूछा गया है। तो ये डर और टी फोर लिम्फोसाइट को जो है ना सबसे पहले अटैक करता है एचआईवी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्न में से यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है, अभी बताए थे शेर के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ 17 में पूछा गया है कि न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनस बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है। तो नाइट्रोजनस बेस जो होता है न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है, उसके बीच में जो बॉन्ड रहता है वो कौन सा बॉन्ड रहता है, यही पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस के बीच बॉन्ड जो रहता है ना वो आप लोग का हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। चलिए उसके बाद पूछा गया कैंसर किस कारण से होता है, तो कैंसर आप लोग को ऑन्कोजींस के द्वारा होता है, ठीक है, ऑन्कोजींस। उसके बाद देखिए बोला गया कि कल्याण सोना किसका किस्म है, कल्याण सोना किसका किस्म है, तो कल्याण सोना जो आप लोग का किस्म होता है वो गेहूं का होता है, ठीक है, गेहूं का। अगर आप लोग को बायोलॉजी पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है एनसीईआरटी का, तो आप लोग भारती भवन का बायोलॉजी 12th का पढ़िए, बहुत ही अच्छा है, आपका सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा। और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम ग्रुप का है, दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, कोई एक ज्वाइन करने से नहीं होगा, दोनों को ज्वाइन करिए तभी आप लोग को वहाँ पर पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। 20 में पूछा गया है, देख सकते हैं कि यहाँ पे निम्न में कौन एकल कोशिका प्रोटीन है, ठीक है, एकल कोशिका प्रोटीन के मतलब यहाँ पे कौन कौन सा है। तो यहाँ देखिए आपको स्पायरुलिना भी हो गया, क्लोरेला हो गया, सिनेंडेसमस भी हो गया, तो तीनों जो आप लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि तीनों आप लोग का एकल कोशिका प्रोटीन में आता है, ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन में। किसमें कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है, ठीक है, कृत्रिम बीज का निर्माण मतलब किससे कृत्रिम बीज का निर्माण हम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ जाएगा काइक भ्रूण से, ठीक है। चलिए यहाँ पर बोला गया कि बी डी एन ए की एक पूर्ण घुमा में नाइट्रोजनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं, यानी जब पूर्ण घुमा होता है बी डी एन ए, ठीक है, जैसे होता है ना, तो उसमें नाइट्रोजनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं। तो इसका आप लोग का सही आंसर हो जाएगा वो आप लोग को 10 पेयर्स होते हैं, ठीक है, 10 पेयर्स। चलिए बोला गया कि कौन विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग कौन सा है, तो यानी कि वायरस से होने वाला रोग, फ्लू भी आप लोग का वायरस इसमें होता है, पोलियो भी वायरस होता है, एड्स में भी, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा इनमें सभी। उसके बाद बोला गया कि डोडो क्या है, 24 में पूछा गया कि डोडो जो यहाँ पे क्या है, तो डोडो जो आप लोग को बता दी ये विलुप्त हो चुका है, ठीक है, विलुप्त प्राणी है, ठीक है। चलिए उसके बाद बोला गया जीवाणु में क्या पाया जाता है, जीवाणु में क्या पाया जाता है, आरएनए होता है या प्लाज्मिड डीएनए होता है या फिर दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जीवाणु जो होता है ना, यानी कि आप लोग को जीवाणु में वही लगभग आप लोग को प्लाज्मिड, यहाँ देख सकते हैं प्लाज्मिड डीएनए जो होता है ना वही पाया जाता है। उसके बाद देखिए एक द्विशंकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या था, यानी कि जो है द्विशंकर जो क्रॉस था उसका जो है आप लोग का डायहाइब्रिड क्रॉस का जो है यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो पूछा है, ठीक है। तो 26 नंबर का जो आप लोग को द्विशंकर क्रॉस में 9:3:3:1 है, ठीक है आंसर। चलिए उसके बाद बोला गया सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है, सूक्ष्म जो प्रजनन होता है उसमें क्या कराया जाता है, तो उसमें लैंगिक प्रजनन होता है, लैंगिक, ठीक है। उसके बाद बोला गया दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है, लास्ट क्वेश्चन आज का। तो आप लोग को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, वीडियो को एक बार जरूर लाइक करिएगा, बहुत मेहनत से आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव मैं लाया हूँ, क्वेश्चन बैंक साथ ही साथ आप लोग को क्वेश्चन बैंक इसमें ऑब्जेक्टिव शामिल है, इसमें मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव शामिल है, ठीक है, प्रीवियस जो पूछा गया, ठीक है। तो साथ ही साथ पूरा मैं सेंटअप का भी ऑब्जेक्टिव शामिल, अगर सेंटअप का एग्जाम का तैयारी अभी कर रहे हैं तो सेंटअप में भी यही काम देगा, और 2024 के फाइनल परीक्षा में भी इंटर का यही काम देगा। तो ऐसा ही ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड पूछता है, इसका पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, व्हाट्सअप ग्रुप दोनों को ज्वाइन करिएगा तभी आप लोग को मिलेगा, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन बोला गया कि दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है,
तो दूध से दही जब बनता है ना, तो हम लोग किस पे मतलब का उपयोग होता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस से दही जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, अगर आप लोग इसको छोड़ के जाते हैं तो आप लोग के लिए मतलब कि एक तरह से एग्ज़ाम में आप लोग का ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा, इसलिए जितना भी ऑब्जेक्टिव कराए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी में पूछता है, तो कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।